हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश सहन, टीम सीएलसी सीकर से सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे गुरु नीति 4 out of 7। तो देखो, लास्ट ईयर 10 ईयर्स के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, 2013 से लेकर 2022 तक हो रहे। तो अपन देखेंगे कि इसमें हम 30 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हो रहे, तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हर साल केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन एवरेज आते हैं। तो अपन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके आसपास जितनी भी चीजें हो रही उन सबको अपन कंसिडर करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हाँ, तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केपी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 3000 केल्विन। आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर पे आपको केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि केपी दे रखा है, केसी आपको कैलकुलेट करना है। तो एक रिलेशन होता है केपी बराबर केसी आरटी की पावर डेल्टा एन। और तो रिलेशन क्या होता है, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन। और अब देखो, इसमें डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन क्या है, मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एन की वैल्यू अपन निकालते हैं, तो डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या है, मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितने 2 माइनस मोल ऑफ गैसेस रिएक्टेंट कितना है 1। ये तो क्या है, कार्बन सॉलिड फेज में, तो डेल्टा एन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 आएगी। तो केपी आपको कितना दे रखा है, केपी की वैल्यू आपको दे रखी है 3। तो 3 इज इक्वल टू केसी आपको कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू कितनी है 0.083, और इसको आप सिंपल वे में रखें तो ये 1/12 होती है, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। इनटू टेम्परेचर दे रखा आपको 1000 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहां से आपको केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और तो ये कितना आ जाएगा, केसी इज इक्वल टू 12 × 3 कितना जाएगा, 36/1000। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 36 × 10⁻³। ऐसा देखो, कोई ऑप्शन आपको दे नहीं रखा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3.6 × 10⁻²2। तो 3.6 × 10⁻²2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको के दे रखा है, और देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। और तो आपको पता है कि इस रिएक्शन से आपको ये रिएक्शन कैसे प्राप्त होगी, तो आप क्या करोगे, इस पहली वाले रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, N2 + O2 = 2NO। इससे आपको ये रिएक्शन कैसे मिलेगी, और तो आपको पता है कि किसी भी कोफिशिएंट से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, कि आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, अगर किसी रिएक्शन को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी पावर में चला जाता है। तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1/2 N2 + 1/2 O2 से क्या होगा, NO। तो इस किस कोफिशिएंट से आपने मल्टीप्लाई किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जिस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया वो पावर में चला जाएगा। इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, के की पावर 1/2। काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। हां, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। देखो, सेम कांसेप्ट का क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उनकी आपको अच्छे से रीडिंग करनी है। तो पहले देखो, 3 रिएक्शन दे रखी है, पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, सेकंड रिएक्शन का K2 है, थर्ड रिएक्शन का K3 है। अब इन तीनों रिएक्शन से आपको ये रिएक्शन प्राप्त करनी है, टारगेट रिएक्शन आपकी ये है। तो ये इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट, ये कौन सी होगी सेकंड, और ये कौन सी होगी थर्ड होगी। तो सबसे पहले देखो, आप प्रोडक्ट में आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट में आपको 2NO चाहिए। तो देखो, सेकंड रिएक्शन में 2NO है, तो उसके साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर आपके पास 3H2 हो रहा है, यानी इस रिएक्शन को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी नेट रिएक्शन में 3H2O आएगा। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3H2, और यहां पर क्या आ जाएगा, 3/2 O2, और यहां पे क्या आ जाएगा, 3H2, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा K3। किस कोफिशिएंट से आपने मल्टीप्लाई किया, आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा। K2 एज इट इज है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, तो यहां पे क्या आ गया, K2। अब आपको इधर देखो, रिएक्टेंट साइड 2 अमोनिया चाहिए, तो यानी पहली रिएक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और
तो जब रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, उसके रेसिप्रोकल के इक्वल, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, के1 हो जाएगा। इस रिएक्शन को जैसे ही आप रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, 2NH3 और इधर आएगा N2+3H2 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, 1 अपॉन K1। सेकेंड रिएक्शन में अपने को कुछ भी नहीं करना है, तो N2+O2 से 2NO और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2 है। थर्ड रिएक्शन को हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3H2 प्लस 3/2O2 और इधर आ जाएगा 3H2, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कोफिशिएंट कहां पे चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, तो K3 की पावर 3 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इन रिएक्शंस को आप ऐड कर दो, इन रिएक्शन को ऐड करोगे तो नेट रिएक्शन आपके पास ये आ जाएगी। जब रिएक्शन ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन तीनों रिएक्शंस के, वो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो नेट जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो K2 K3 की पावर क्या जाएगी, 3 अपॉन क्या जाएगा, K1 आ जाएगा। ये आपके पास नेट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में तो आपको क्या करना है, एकदम नेट रिएक्शन देखनी है कि इसमें आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, किसको रिवर्स करना है, ठीक है ना। ऐसे आपको नहीं लिखना, इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। और आपको केपी एंड केपी डी आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड T2, T1 टेम्परेचर पे है वो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है केपी, और T2 पे क्या है, केपी डेस, ठीक है। अज्यूमिंग दैट हीट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट इन टेम्परेचर रेंज बिटवीन T1 एंड T2, इट इज रेडली ऑब्जर्व दैट, तो आपको पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये तो बात होगी किसकी, एंडोथर्मिक की, लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो के इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा है कि T1 ज्यादा T2 ज्यादा, लेकिन इन जनरल अपन T2 बड़ा मानेंगे किससे, T1 से हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो केपी है वो बड़ा होगा किससे, केपी डेस से। तो कौन सा ऑप्शन से होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर्टिकुलर रिएक्शन, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 1.6×10^12 है, देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन, तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको कितनी देर की, 1.6×10^12 है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10^3 से ज्यादा है, इसका मतलब कौन डोमिनेंट होगा, और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा किससे, रिएक्टेंट से, यानी रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, तो मोस्टली क्या बनेगा इसके अंदर, प्रोडक्ट बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, 3O2 से 2O3 हो, ये आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, फॉर द अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन, केसी आपको दे रखा 3×10^-59, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इज 0.040 m, देन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन m, यानी मोलरिटी के फॉर्म में आपको ओजोन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। तो देखो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, O2 की कंसंट्रेशन दे रखी है, ओजोन की कंसंट्रेशन आपसे पूछी है, तो वी नो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है, ओजोन, तो ओजोन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और नीचे क्या आएगा, O2 की कंसंट्रेशन का क्यूब, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको कितना दे रखा है,
ये आपको दे रखा है 3 × 10⁻¹⁵ इज इक्वल टू ओजोन की कंसंट्रेशन आपसे पूछी तो ओजोन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और नीचे आपके पास क्या आएगा O2 O2 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.04 का क्यूब तो ओजोन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3 × 10⁻¹⁵ इंटू क्या आ जाएगा 64 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा तो ये अपने पास आ जाएगा 192 इंटू 10 की पावर माइनस का 65 इसका आपको क्या लेना पड़ेगा रूट लेना पड़ेगा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 19.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 64 तो इसका आप रूट लोगे तो आपके पास क्या आएगा 19.2 तो इसका ऑलमोस्ट क्या 4 से ज्यादा होगा यानी 4.38 और 10 की पावर माइनस का 64 है उसका रूट लोगे तो 10 की पावर माइनस का कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा ये आपके पास कंसंट्रेशन किसकी आ जाएगी ओजोन की कंसंट्रेशन आ जाएगी एकदम बेसिक क्वेश्चन है और तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हाँ तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम तो वी नो दैट इक्विलिब्रियम पे क्या होगी चेंज इन गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी डेल्टा जी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो क्या रिलेशन होगा तो वी नो दैट थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू सी एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होगा और क्यू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा के इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या पुट करोगे आप जीरो पुट करोगे तो ये क्या आपके पास आएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लॉग क्यू सी की जगह आप क्या पुट करोगे के इक्विलिब्रियम तो ये आपके पास क्या आ जाएगा रिलेशन हो जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है फोर्थ ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा है डेल्टा जी नोट पूछा है ना हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन सुक्रोज प्लस वाटर के साथ उसका हाइड्रोलाइसिस किया तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बना हो रहा है क्वेश्चन में क्या दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा है और डेल्टा जी नोट पूछा है देखो इस कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ठीक है ना तो आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस नीट के अंदर लास्ट 10 इयर्स में पूछे जा रहे हैं तो अभी अभी देखा है डेल्टा जी नोड इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लॉग 10 बेस के इक्विलिब्रियम अब बेस 10 को बेस ई में कन्वर्ट करना है बेस ई या एल एन ए की बात है लॉग बेस ई और एल एन और तो इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूं एल एन के अंदर तो डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू माइनस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी देर की आपको के इक्विलिब्रियम की वैल्यू देर की 2 × 10⁻¹³ तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻³ आर की वैल्यू कितनी पुट करोगे 8. क्योंकि आप एनर्जी निकाल रहे हो ना और तो आर की वैल्यू क्या पुट करोगे जूल के अंदर माइनस का 8.314 टेम्परेचर दे रखा है इसके अंदर 300 और एल एन 2 × 10⁻³ ये आपके पास रिलेशन हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 Which one of the following conditions will favor maximum formation of the product in the reaction? ये आपको एक reaction दे रखी है और आपसे पूछा है कि ये maximum product का बन सकता है जब reaction forward direction जाएगी तब maximum product का formation होगा और delta H क्या दे रखा है negative दे रखा है delta H negative है it means ये reaction क्या है exothermic reaction है ये reaction क्या होगी exothermic reaction होगी अब सबसे पहले आपको प्रेशर का इफेक्ट देखना ये कॉन्सेप्ट है ली चिटेलर प्रिंसिपल का और उसके अंदर आपने टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखा होगा और प्रेशर का इफेक्ट भी देखा होगा तो प्रेशर का इफेक्ट क्या है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन तब जाएगी
जब आप प्रेशर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, और प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इधर नंबर ऑफ गैसेस मोल कितने हैं, 2 है, और इधर नंबर ऑफ गैसेस मोल कितना है, 1 है, और रिएक्शन को आपको किस डायरेक्शन में ले जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा तब रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो एक तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इफेक्ट देखते हैं अपने टेम्परेचर का। रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अभी अपने को किसकी बात करनी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। जब अपने को क्या करना है, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनाना है तो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेम कॉन्सेप्ट का है, ठीक है। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस हीट देयर का, इट मींस रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव है, इट मींस रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन कब शिफ्ट हो सकती है। इधर देखो प्रेशर और इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, तो इधर गैसेस मोल कितने हैं, 4 है, इधर गैसेस मोल कितने हैं, 2 है। तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोल क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, हो रहे ना इधर डिक्रीज। इट मींस आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा तभी रिएक्शन प्रोडक्ट साइड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। और टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप क्या करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ये नीट 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें गैस स्टेट का भी कॉन्सेप्ट है। ए 20 लीटर कंटेनर एट 400 केल्विन कंटेन CO2 एट प्रेशर 0.4 atm, यानी ये कंटेनर है उसके अंदर क्या है, गैस फिल कर रखी है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है V1 है वो तो कितना है, 20 लीटर है, और प्रेशर P1 है वो कितना है, 0.4 atm, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज बाय मूविंग द पिस्टन फिटेड इन द कंटेनर। तो इसमें क्या होगा, जैसे पिस्टन को आप नीचे की तरफ शिफ्ट करोगे और तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो प्रेशर आपको इसका क्या करना है, देखना है। तो इसका केपी आप लिखोगे इस रिएक्शन का, तो केपी है वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे सिर्फ CO2 के पार्शियल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, सॉलिड का तो कोई प्रेशर होता ही नहीं है। और इसका केपी आपको कितना दे रखा है, 1.6 atm दे रखा है, तो केपी कितना दे रखा है, 1.6 atm, यानी अब प्रेशर कितना होगा CO2 का, 1.6 atm हो जाएगा, उस पे आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो ये P2 कितना हो जाएगा, 1.6 atm। अब V2 आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो P1 V1 बराबर P2 V2, P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2, तो V2 देख लो कितना आएगा, तो P1 कितना दे रखा है आपको, 0.4, V1 कितना है, 20, अपो नीचे P2 कितना आ गया, 1.6, तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 लीटर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 4th है। इसके अंदर गैस स्टेट और इक्विलिब्रियम दोनों के कॉन्सेप्ट के मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो अब अपन आयनिक इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, और ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम मोस्टली देखो कहां से क्वेश्चन आता है, इंट्रोडक्शन अबाउट वाटर, या फिर कंजुगेटेड एसिड बेस थ्योरी, या फिर सोल्ट हाइड्रोलाइसिस, या सोलिबिलिटी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, और इन चार टॉपिक पे काफी क्वेश्चन पिछले 10 साल से आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कंजुगेटेड बेस ऑफ ब्रोंस्टेंट एसिड H2 एंड HF। देखो ब्रोंस्टेंट एसिड क्या होते हैं, ब्रोंस्टेंट एसिड BA,
जो एच प्लस एन रिलीज करता है उसे आप क्या कहोगे, ब्रोंस्टेंट एसिडोर। और ब्रोंस्टेंट बेस क्या होंगे, जो एच प्लस एन क्या करता है, गेन करता है, उसको आप क्या कहोगे, ब्रोंस्टेंट बेस कहोगे। पहली चीज तो ये होगी। अब आपको कॉन्जुकेटेड बेस देखना हो रहा है, तो कोई भी स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज है उसका कॉन्जुकेटेड एसिड तो कब बनेगा, जब वो एच प्लस आइन गेन करेगा। और कॉन्जुकेटेड बेस कब बनेगा, जब वो एच प्लस आइन रिलीज करेगा। तो ये दो स्पीसीज है H2O और HF। तो H2O से आप एच प्लस आइन रिलीज करो, क्योंकि आपको क्या पूछा है, कॉन्जुकेटेड बेस पूछा है, तो आपके पास क्या मिलेगा, OHa-1, ठीक है। और HF है, इसे एच प्लस एन रिलीज करोगे तो फ्लोराइडाइन आपको मिलेगा। तो हाइड्रोक्साइडाइन और फ्लोराइडाइन दो स्पीसीज है, ये आपको इसके अंदर मिलेंगी। तो OH माइनस एंड फ्लोराइडाइन रेस्पेक्टिवली, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, 0.01 mg एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। ये क्या है, वीक एसिड है, जिसके लिए अल्फा क्या होता है, 100% से कम होता है। और इसका जो अल्फा दे रखा है वो 1% दे रखा है, 1%, तो 1/100, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.01 लिख सकता हूं। देन पीएच ऑफ एसिडिक एसिड सॉल्यूशन होता है, तो वीक एसिड की जो आप पीएच निकालते हो, तो वीक एसिड क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो डिसोसिएट होगा एसीटेटाइन प्लस एच प्लस एन। और इसकी कंसंट्रेशन सी है, तो इसकी क्या होगी, 0, 0। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सी माइनस का सी अल्फा, इसकी सी अल्फा और सी अल्फा। तो एच प्लस एन की कंसंट्रेशन क्या होगी, सी अल्फा हो जाएगी। और एच प्लस एन की कंसंट्रेशन अगर आपके पास आ जाएगी तो आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। तो कंसंट्रेशन सी आपको कितना दे रखा है, 0.01, और अल्फा भी कितना है, 0.01। तो एच प्लस एन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10^-4। 10^-4 है, तो पीएच कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और एसिडिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, जिसकी पीएच क्या होती है, 7 से कम होती है। तो 13 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द परसेंटेज ऑफ पिरिडीन दैट फॉर्म पिरिडीनियम आयन इन 8.10 mg एक्वस पिरिडीनियम सॉल्यूशन, जिसका आपको केबी दे रखा है, यानी इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका, वीक बेस का। तो KB इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर। अल्फा बराबर क्या होगा, रूट KB अपॉन C। KB की वैल्यू दे रखी है, उसकी कंसंट्रेशन आपको दे रखी है। तो KB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.7 × 10^-9 अपॉन नीचे क्या आएगा, कंसंट्रेशन C। C आपको दे रखा है 0.10। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ऑलमोस्ट कितना आएगा, 170 × 10^-10। 170 का रूट कितना होता है, ऑलमोस्ट 13 इंटू कितना आएगा, 10^-5। ये आपके पास आ गया अल्फा, और अल्फा परसेंटेज में अगर आपको निकालना है अल्फा परसेंट कितना होगा, तो ये आएगा 13 × 10^-5 × 100। तो ये आ जाएगा 13 × 10^-3, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 0.013%, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, यानी आपको डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम दे रही है, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन दे रखी है। तो मिक्सिंग ऑफ pH, यानी एसिड और बेस को मिक्स करते हो तो pH कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे pH के फॉर्मूले हैं। तो एक एसिड दे रखा है, दूसरा बेस दे रखा है, तो उस केस में आपको pH निकालनी है। और लास्ट में आपसे पूछ रखा है pH ऑफ विच वन ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1, किसकी pH 1 के इक्वल आएगी। तो आप एक एक ऑप्शन को सोल्व करके पता कर सकते हो। तो इसके अंदर देखो, एसिड क्या है, ज्यादा है, और बेस क्या है, कम है। तो फाइनली आपके पास क्या आएगी, एच प्लस एन की कंसंट्रेशन आएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 60 × 1/10, साइन क्या आएगा बीच में, माइनस का, 40 × 1/10 अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होगा, मिक्सिंग करने के बाद में कितना जाएगा आपके पास,
100 आ जाएगा, 60 प्लस 40, तो ये आपके पास क्या आएगा 2/100, तो ये आएगा 2×10^-2, ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी, और इससे पीएच आप निकालोगे तो दूर दूर तक आपको नहीं लगना चाहिए कि इसकी पीएच 1 आएगी, तो 2 − log 10/2, और log 10/2 की वैल्यू क्या होती है 0.30, तो पीएच क्या आएगी 1.7 आएगी। ऐसे आपको हर एक ऑप्शन सोल्व करना पड़ेगा। तो अपन देखो थर्ड ऑप्शन सोल्व कर लेते हैं सी, तो यहां पे जो एच प्लस एन की कंसंट्रेशन आएगी वो क्या आएगी, एच प्लस एन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 75 × 1/5 − 25 × 1/5, और टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपके पास 100 आ जाएगा। तो 75 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 15 − 5/100, तो ये आएगा 10/100, यानी कि 1/10, यानी 10^10 क्या आ जाएगा −1 आ जाएगा। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आएगी 10^-1, तो pH कितना आएगा, pH आ जाएगा यहां पे 1 आ जाएगा pH, तो pH 1 आ जाएगा, तो किस में आ रहा है सी के अंदर, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे आपको pH निकालनी है, और ये इंपॉर्टेंट है एसिड और बेस को मिक्स करने के बाद में pH कितनी हुई, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, देखो अगेन उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया। और इक्वल वॉल्यूम क्या है, एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड क्या है HCl, इक्वल वॉल्यूम में कुछ भी ले लो आप, 1 लीटर ले लो दोनों का, इसका भी 1 लीटर ले लो, इसका भी 1 लीटर ले लो, एसिड और बेस का मिक्स कर रहे हैं, तो आपको देखने से पता लग जाएगा कि OH- आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है और H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या कम है, तो OH- आयन की कंसंट्रेशन क्या रहेगी फाइनली रिमेनिंग रहेगी, तो OH- आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इसका मोलरिटी 0.1 और इसका वॉल्यूम आप 1 लीटर ले लो, इसका भी 1 लीटर ले लो वॉल्यूम और इसका भी 1 लीटर ले लो, −0.01 × इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर अपॉन नीचे टोटल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 + 1 कितना होगा 2 हो गया आफ्टर मिक्सिंग हो रहा है, तो इसको सोल्व करोगे तो ऊपर कितना आएगा 0.09/2, तो ये आपके पास आएगा 4.5 × 10^-2, ये आपके पास OH- आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। इससे आप POH निकालो और POH से आप क्या निकाल सकते हो pH, तो POH कितना आएगा आपके पास 2 − log 10^4.5। अब देखो 4.5 में log की वैल्यू क्या होगी, तो log 10^4 की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी, log 10^4 की वैल्यू होगी 0.6 और log 10^5 की वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 0.699, यानी आप इसको 0.7 मान सकते हो, तो इसकी बीच की वैल्यू ले लो, और तो 0.65 क्या हो जाएगी log 10^4.5 की वैल्यू हो जाएगी, तो POH आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 2 − 0.65, तो यह आएगा 1.35, यह आपके पास POH आ गया। तो pH कितना आएगा, तो 14 में से माइनस कर लो, 14 माइनस का POH कितना है 1.35, तो ये आएगा 12.65 आ जाएगा, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी pH की वैल्यू आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का क्वेश्चन है, डाइमेथिल एमीन जिसका आपको पीके भी दे रखा है, एसिडिक एसिड जिसका पीके आपको दे रखा है, डाइमेथिल अमोनियम एसिटेट सोल्ट है जिसका पीएच आपको कैलकुलेट करना, तो चार प्रकार के सोल्ट हाइड्रोलाइसिस होते हैं, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने सोल्ट का सोल्ट हाइड्रोलाइसिस, उसकी पीएच कितनी होती है 7 होती है, यह है डाइमेथिल एमीन, यह क्या है वीक बेस है, और एसिडिक एसिड क्या है वीक एसिड है, वीक एसिड और वीक बेस से बना जो सोल्ट है उसकी जो पीएच है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड है नहीं करती, तो उसकी पीएच का फॉर्मूला आपको पता होना, तो पीएच इक्वल टू क्या होगा 7 + 1/2 pKa − 1/2 pKb। अब पीकेबी की वैल्यू आपको दे रही है 3.27 और पीके की कितनी दे रही है 4.77, तो पीएच कितना आएगा
सेवन प्लस वन बाई टू पी के, पी के की वैल्यू कितनी है 4.77, माइनस वन बाई टू पी के बी की वैल्यू कितनी है 3.27। इसको आप सोल्व करोगे तो इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आएगी 7.75। 7 से तो ज्यादा आएगी क्योंकि 4.77 ज्यादा है किससे, 3.27 से। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट विल गिव हाइएस्ट पीएच इन वॉटर। तो देखो आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, केसीएल जो सोल्ट है वो किससे मिलके बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनी सोल्ट की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। दूसरा है एनएसीएल, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है, इसकी भी पीएच कितनी होगी, 7 होगी। फर्स्ट और सेकंड की पीएच कितनी होगी, 7 होगी। थर्ड है सोडियम कार्बोनेट, ये किससे मिलके बना है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो इसकी पीएच क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड की जो पीएच है वो क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी, क्या होगी, ग्रेटर देन 7। और लास्ट है कॉपर सल्फेट, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना सोल्ट है जिसकी पीएच क्या होगी, 7 से कम होगी। तो क्वेश्चन पूछा हाईएस्ट पीएच, हाईएस्ट पीएच किसकी होगी, ऐसा सोल्ट जो किससे मिलकर बना हो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो ये थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना सोल्ट। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्ट हाइड्रोलाइसिस उसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो उसको सभी के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, पीएच के कौन सा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कौन सा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है ये पता होना चाहिए, कौन सा कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, किसका किसका एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, किसका दोनों का कैटायनिक एनायनिक दोनों हाइड्रोलाइसिस होंगे, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन चारों प्रकार के सोल्ट में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सोल्यूशन इज नॉट एन एसिडिक बफर। बफर सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें आप स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस मिलाओगे तो उसकी पीएच में कोई चेंज नहीं होता है, ऐसे सोल्यूशन को आप क्या कहोगे, बफर सोल्यूशन कहोगे, ठीक है। तो कौन सा बफर सोल्यूशन की तरह बिहेव नहीं करता है, तो एसिडिक बफर के लिए एक कंडीशन क्या है, वीक एसिड होना चाहिए प्लस सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर ऐसी कंडीशन है तो वो क्या होगा, एसिडिक बफर होगा। और तो पहला देखो, वीक एसिड है आपके पास, बिल्कुल है वीक एसिड, और ये सोल्ट है वो किसे मिलके बना है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, तो पहला बफर सॉल्यूशन है। दूसरा है H2CO3 प्लस Na2CO3, ये भी क्या है, H2CO3 वीक एसिड है, तो आपको वीक एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सब पता होने चाहिए, और तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे और तभी आयनिक इक्विलिब्रियम को आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो ये भी क्या है, वीक एसिड, और ये सोल्ट है किससे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, H3PO4 ये भी क्या है, वीक एसिड है और ये सोल्ट हो गया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। फोर्थ ऑप्शन है HClO4, HClO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बस यही गड़बड़ हो गया, और इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ है वो एक बफर सोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 हो रहे, विच विल मेक बेसिक बफर, बेसिक बफर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, वीक बेस प्लस सोल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कंडीशन किसके लिए होनी चाहिए, बेसिक बफर के लिए होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन अपन चेक करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है प्लस HCl है, इसकी आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनोगे, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसके मिली इक्विवेलेंट कितने होंगे, 200 × 0.1 कितना हो गया, 20 हो गया इनिशियल, HCl के कितने होंगे, 10, इसके क्या होंगे, 0, 0, आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा, ये HCl लिमिटिंग एजेंट है तो ये कितना हो जाएगा, 0, इसके 10 मिली इक्विवेलेंट कंज्यूम होते तो इसके भी कितने होंगे, 10, इनिशियल कितने, 20, तो रिमेनिंग कितने रहेंगे, 10, इसके भी 10 और इसके भी 10। तो आपके पास सॉल्यूशन में क्या बचा, वीक बेस बच गया, बिल्कुल वीक बेस बच गया, प्लस सोल्ट अमोनियम क्लोराइड किससे, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सोल्ट है। तो ऐसे सॉल्यूशन क्या है, बेसिक बफर है, तो फर्स्ट किसका एग्जांपल हो गया, बेसिक बफर का एग्जांपल हो गया। दूसरा बफर सॉल्यूशन है नहीं क्योंकि यहां पर क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड उधर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तीसरा तीसरे को आप चेक करोगे, ये भी बफर सॉल्यूशन नहीं है। फोर्थ है ये वीक एसिड है
और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं है। तो फर्स्ट है वो बेसिक बफर का एग्जांपल हो गया। 21, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.10 ml सोडियम एसिटेट एंड 0.01 ml एसिडिक एसिड, यानी एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है प्लस सोडियम एसिटेट की आपको कंसंट्रेशन दे रखी है। तो सोडियम एसिटेट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.10 ml और एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 ml। यानी ऐसा सॉल्यूशन है, इट मींस ये बफर सॉल्यूशन है। और कौन सा बफर सॉल्यूशन है? एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। उसके लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? पीएच इक्वल टू pKa प्लस log 10 बेस सॉल्ट अपॉन एसिड। तो ये तो इसके अंदर सोडियम एसिटेट तो क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, और ये आपके क्या क्या हो गया, एसिड हो गया, एसिडिक एसिड। तो pH बराबर pKa, pKa कितना हो गया 4.57 प्लस log 10 बेस सॉल्ट कितना है, ये आपको दे रखा है कितना 0.10 और एसिड कितना है 0.01 ml। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी और log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो pH कितनी आएगी 4.57 प्लस 1 तो कितनी आएगी 5.57। ये आपके पास pH की वैल्यू आएगी 5.57। तो ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट, ये एसिडिक बफर का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हो रहा है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन वाटर, ये आपको दे रही है ग्राम पर लीटर में एट 298 केल्विन, द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो रहा है। तो आपको किस में पूछी, इसकी यूनिट देखो, मोल की पावर 2 अपॉन लीटर की पावर 2, यानी आपको ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम जानते हैं ग्राम पर लीटर को अगर मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, इसके अंदर डिवाइड करना पड़ेगा किससे, मोलिकुलर वेट से। और मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है, एकदम रिवर्स करना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, मोलिकुलर वेट से। तो मोल पर लीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम पर लीटर में। तो सबसे पहले आपको सॉल्युबिलिटी एस दे रखी कितनी 2.24 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 और इसका मोलिकुलर वेट कितना है 233। यह आ जाएगी मोल पर लीटर में, क्योंकि आपने क्या कर लिया, ग्राम पर लीटर से मोल पर लीटर में डिवाइड करना है तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिया। अब इसको देखो अप्रोक्सीमेटली करो, आप ऊपर है पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा, ऊपर है 224 नीचे 233, तो ऑलमोस्ट कैंसिल आउट कर दो। एस बराबर आपके पास क्या आएगा 10 की पावर माइनस का 5 मोल पर लीटर। ये आ गई सॉल्युबिलिटी किसकी, बेरियम सल्फेट की। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको निकाला तो केएसपी क्या होगा, ये एबी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है और इसके लिए केएसपी क्या होगा, एस का स्क्वायर। एस यानी सॉल्युबिलिटी आपके पास कितनी है 10 की पावर माइनस का 5 का स्क्वायर, तो कितना बताएंगे 10 की पावर माइनस का 10 मोल की पावर 2 अपॉन लीटर की पावर 2। तो 10 की पावर माइनस 10 कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन के अंदर आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे आपको स्मार्ट काम करना है ना। क्वेश्चन नंबर 23, द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन Ag2 सिल्वर ऑक्सीलेट इज 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 मोल पर लीटर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2C2O4। तो ये सिल्वर ऑक्सीलेट है, इसको आप डिसोसिएट करोगे तो 2Ag प्लस प्लस C2O4 माइनस का 2। इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी अगर S है तो इसकी 2S होगी और इसकी S होगी। तो Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी, Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगी 2S और आपको Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी देर की है 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। तो S यहां से क्या आएगा आपके पास 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 आ जाएगी। ये आपके पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगी किसकी, इस सॉल्ट की। और आपसे पूछा है क्या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसका केएसपी क्या हो जाएगा, ये किस प्रकार का सॉल्ट है, ये ए टू बी टाइप का सॉल्ट, ये किस टाइप का है,
ए टू बी टाइप का सोल्ट है, तो इसका केस भी क्या होगा, 4s³ हो रहा है। तो 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 का क्यूब आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 4 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना आएगा, 12 हो जाएगा। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ, तो क्वेश्चन में देखो 24 पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी इसकी पीएच कितनी दे रखी, 9 दे रखी है। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो पीएच 9 दे रखी, तो उसकी पीओएच कितनी हो जाएगी, पीओएच हो जाएगी इसकी 5 हो रहा है। और ओएच माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी आपके पास, ओएच माइनस आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी 10 की पावर माइनस का 5 आ जाएगी। अब हम इसको डिसोसिएट कर लेते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो डिसोसिएट होगा किसमें, कैल्शियम प्लस 2 की कंसंट्रेशन प्लस 2 ओएच माइनस आयन की कंसंट्रेशन। इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी भी क्या होगी S, और OH- आयन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी 2S। तो OH- आयन की जो सॉल्युबिलिटी है वो आपके पास क्या आ गई 2S, और एक चीज गिवन है OH- आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस का 5, तो S बराबर क्या होगा 10 की पावर माइनस का 5 बाई 2। S कितना हो गया 10 की पावर माइनस का 5 बाई 2। आपसे क्या पूछा है, KSP पूछा है। और Ab2 टाइप का ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और Ab2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए KSP क्या होगा, 4s³ हो रहा है। तो 4s कितना है, 10 की पावर माइनस का 5 बाई 2 का क्यूब हो रहा है। तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/8 इंटू 10 की पावर माइनस का 15, तो ये आएगा 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 15। ये आपके पास क्या आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या आएगा, कॉमन आयन इफेक्ट का केस आ गया। ये बाकी जब कर रहे थे वो तो वाटर के अंदर कर रहे थे अपन। इसमें क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl सॉलिड विद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देर का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इन 0.1 NaCl सॉल्यूशन। ये कॉमन आयन इफेक्ट, और ऐसे क्वेश्चन नीट में कई बार आ चुके हैं। तो AgCl है, इसको आप डिसोसिएट करोगे तो Ag प्लस प्लस Cl माइनस है वाटर के अंदर, तो क्या हो जाएगा, KSP इक्वल टू क्या होगा, S का स्क्वायर हो जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और आपको किस में करना है, NaCl के अंदर करना है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी S और इसकी S। अब NaCl की प्रेजेंस में क्या होगा, NaCl की प्रेजेंस में ये Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी देर की है, 0.1, तो यहां भी क्या आएगा 0.1 आएगा, और इस जगह भी 0.1 आएगा। तो जैसे ही NaCl को आप AgCl में मिलाओगे तो Cl- आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, S प्लस 0.1 आ जाएगी। तो इसका KSP क्या होगा, KSP इक्वल टू क्या होगा, Ag की कंसंट्रेशन और Cl- आयन की कंसंट्रेशन। तो KSP इक्वल टू क्या होगा, S और S प्लस 0.1 हो रहा है। तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, S का स्क्वायर प्लस 0.1 S। अब आपको पता है कि सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है। अपन क्या पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसके लिए पढ़ते हैं, अलग विलेय लवणों के लिए जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है। S बहुत ही कम होता है, यानी S की वैल्यू अगर 10 की पावर माइनस 2 या इससे कम है, उनके लिए अपन सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का डिस्कशन करते हैं। तो S की वैल्यू 10 की पावर माइनस 2 है, तो S स्क्वायर और भी कम हो जाएगा। तो मैं S स्क्वायर को क्या कर दूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा, किसके रिस्पेक्ट में, 0.1 S के रिस्पेक्ट में। तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP इक्वल टू हो जाएगा 0.1 S। तो S इक्वल टू KSP की वैल्यू कितनी देर की आपको, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 अपॉन नीचे क्या आएगा, 0.1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 आ जाएगी। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 26, MY एंड NY3 2 नियरली इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ये उसी से क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट।
सेम दोनों का सेम केस भी दे रखे और आपसे किसके बारे में पूछा है कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, तो एम वाई जो सोल्ट है उसका जो केएसपी है वो किसके इक्वल होगा, एस के स्क्वायर के इक्वल होगा और एस बराबर क्या हो जाएगा रूट केएसपी, और केएसपी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 6.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 13 की पावर 1/2, और एन वाई थ्री सोल्ट है, एन वाई थ्री जो सोल्ट है उसका केएसपी कितना हो जाएगा 27 एस की पावर 4, एस बराबर क्या आ जाएगा रूट केएसपी अपॉन 27 की पावर 1/4 आ जाएगा, और केएसपी आपको कितना दे रखा है 6.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 13 अपॉन कितना आएगा 27 की पावर 1/4। अब इसको आप सोल्व करके पता कर सकते हो रहे किसकी सोलिडिटी ज्यादा होगी, यानी एन वाई थ्री जो सोल्ट है उसकी वोटर में सोलिडिटी ज्यादा होगी किससे, एम वाई से, तो एम वाई इज लेस सोल्यूबल देन एन वाई थ्री। तो पहला ऑप्शन क्या है, द मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ एम वाई इन वोटर इज लेस देन दैट ऑफ एन वाई थ्री, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड आउट द सोलिबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 mm सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो कोमैन इफेक्ट का केस आ गया वापस से, आपको आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है किसका, निकल हाइड्रोक्साइड का, तो निकल हाइड्रोक्साइड है इसको आप डिसोसिएट करोगे तो ये किस में होगा, निकल प्लस 2 प्लस 2OH माइनस 1, इसकी सोलिबिलिटी एस है तो इसकी भी क्या होगी एस और इसकी क्या हो जाएगी 2S हो जाएगी। अब इसमें क्या मिला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला है, तो NaOH की मिक्सिंग करता हूं तो ये Na प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन, अब कॉमन आयन कौन सा हो गया हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, इसकी भी कितनी हो जाएगी 0.1 और इसकी भी 0.1, जैसे इसको इसके अंदर ऐड करोगे तो यहां पे आपके पास क्या आएगा 2S प्लस 0.1 और यहां 0.1 प्लस 2S, तो केएसपी क्या आएगा आपके पास, निकल प्लस 2 की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो केएसपी इक्वल टू निकल प्लस 2 की तो क्या है एस और हाइड्रोक्साइड आयन की क्या है 2S प्लस 0.1, तो यहां पे क्या आएगा 2S प्लस 0.1 का स्क्वायर, तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा S और ये क्या हो जाएगा 4S स्क्वायर प्लस 4S इंटू 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, S को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा 4S क्यूब प्लस कितना आएगा 0.4S स्क्वायर प्लस 0.01, स्क्वायर को मैंने सोल्व कर लिया 0.01S। अब आपको पता है सोलिबिलिटी बहुत ही कम होती है तो एस स्क्वायर और भी कम होगा, एस क्यूब और भी कम होगा, तो इन चीजों को मैं क्या कर लूंगा नेगलेक्ट कर लूंगा, और तो KSP इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, KSP इक्वल टू आ जाएगा 0.01S। अब आप सोलिबिलिटी निकाल सकते हो, तो S बराबर क्या आएगा KSP कितना दे रहेगा आपको 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 अपॉन नीचे क्या आएगा 0.01, तो ये आपके पास आएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 13 आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 13, ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आपको क्या दे रखी है यूजिंग द गिब्स एनर्जी चेंज हो रहा है, ये 4 टाइम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, केएसपी आपसे पूछा है और R की वैल्यू आपको दे रखी है, टेम्परेचर आपको दे रखा है, तो वी नो दैट डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 2.303 आरटी लॉग 10 बेस केएसपी, यानी इक्विलिब्रियम पे केएसपी और के इक्विलिब्रियम दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इसका आप केएसपी भी निकालोगे
तो क्या आएगा इसका Ksp Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और आगे कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन और इसका K इक्विलिब्रियम भी ये आएगा, तो Ksp और K इक्विलिब्रियम दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। डेल्टा जीनोड आपको दे रखा है प्लस का 63.3 किलो जूल, किलो जूल को आप जूल में कन्वर्ट करो तो ये कितना आएगा 63,300 इज इक्वल टू माइनस का 2.303, आर की वैल्यू 8.314 क्योंकि जूल के अंदर आपको फुट करनी है और इसका टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन लॉग 10 बेस केएसपी। इसको आप सोल्व कर लो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 63,300 और ये नीचे आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 19.14 आएगा, तो माइनस का 19.14 इंटू क्या आएगा 298 केल्विन लॉग 10 बेस केएसपी। हाँ तो इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा माइनस का 11.09। अब आप इसका एंटीलॉग कैसे लोगे, तो लॉग 10 बेस केएसपी इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 11.09 आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, केएसपी लिखना है इधर। अब देखो पॉइंट से पहले देखो वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव में आ गई, तो पॉइंट से पहले जो भी डिजिट है उसको एक से आप इंक्रीज कर दो, तो यहां पर क्या आएगा 10^-12 है, एक से इंक्रीज करके 10^ में आप पुट कर दो, तो 10^-12 है और जो आगे वाली वैल्यू है उसको एक में से माइनस करो, तो इसको एक में से आप माइनस करोगे 0.09 को तो इसकी वैल्यू आएगी 0.91 और ये लॉग में किसकी वैल्यू होती है 0.91 अप्रोक्सीमेटली 8 की, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 × 10^-12। तो ऐसा आपको कब करना है, अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो पॉइंट से पहले वाले डिजिट को एक से इंक्रीज करके 10^ में आप पुट कर दो और बाद में जो वैल्यू है पॉइंट के उसको एक में से माइनस करो, तो एक में से 0.09 आप माइनस करोगे तो 0.91 आएगा और 0.91 लॉग में किसकी वैल्यू होती है 8 की, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी केएसपी की 8 × 10^-12 है, यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 Ag2CrO4 AgCl AgBr AgI का केएसपी आपको दे रखा है, हर एक का केएसपी आपको क्वेश्चन में क्या है गिवन है। Which one of the following salts will precipitate last if AgNO3 solution is added to the solution containing equal mole of NaCl, NaBr, NaI and Na2CrO4? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जिसकी सोलबिलिटी ज्यादा होगी उसका प्रिसिपिटेट सबसे लास्ट में बनेगा और जिसकी सोलबिलिटी कम होगी उसका प्रिसिपिटेट सबसे पहले बनेगा। तो आपसे पूछा है which one of the following salt will precipitate last? तो आप सिंपल से इनकी सोलबिलिटी देख लो, और पहला जो सोल्ट है Ag2CrO4 इसकी जो सोलबिलिटी S है वो क्या हो जाएगी Ksp/4³ क्योंकि किस टाइप का सोल्ट है, ये A2B टाइप का सोल्ट है, तो इसकी सोलिडिटी क्या होगी Ksp/4³ और बाकी जो सोल्ट है जैसे AgCl है, AgBr है और AgI है, ये तीनों के तीनों AB टाइप के सोल्ट है, तो इनके लिए सोलिडिटी S क्या आएगा √Ksp आएगा, इन तीनों के लिए सोलिडिटी S है वो क्या आएगा √Ksp आएगा। अब देखो S is equal to Ksp की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1.1 × 10^-12 है अपॉन 4³ अभी आप इसको छोड़ो हो रहा है, सिर्फ पावर वाले को कैंसिल आउट करो तो यहां पे क्या आएगा 10^-4 आएगा, पहले की सोलिडिटी क्या आएगी 10^-4। अब मैं बात करता हूं AgCl की, ये 1.8 × 10^-10 है, यहां पे क्या जाएगी S इक्वल टू सिर्फ AgCl की मैं बात कर रहा हूं तो 1.8 × 10^-10 ये कितना आएगा 10^-5 आ गया, ये फर्स्ट की सोलिडिटी, ये सेकंड की। AgBr की सोलिडिटी S कितना आएगा आपके पास √
5 × 10⁻¹³. तो ये कितना है अप्रोक्सीमेटली 10⁻¹⁵. और लास्ट में AgI, इसकी सोलिडिटी S इक्वल टू कितना आएगा 8.3 × 10⁻¹⁷. तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10⁻¹⁸. तो देखो सोलिबिलिटी सबसे कम किसकी है, सिल्वर आयोडाइड की, और सोलिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, Ag2CrO4 की, सिल्वर ऑक्सीलेट की, इसकी सोलिबिलिटी सबसे ज्यादा है. तो इसका प्रेसिपिटेट क्या होगा, सबसे लास्ट में बनेगा. तो कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. तो इसी के साथ अपनी गुरु नीति 4 तब वो कंप्लीट होती है. और जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, उन चीज़ों का आप ज़्यादा रिवाइज करें. ऑल द बेस्ट, थैंक यू, JCLC.